आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कि ब्रेस्ट कैंसर किस वजह से होता है और किस तरीके से हम उसको पहले से पहचान सकते हैं ताकि हम इस कैंसर से बच सकें। आज के टाइम में भी मैक्सिमम लेडीज इस चीज से अनअवेयर हैं, उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर किस तरीके से होता है और क्यों हो जाता है। और हाल ही में हमारे काफी बड़े सेलिब्रिटी हैं हिना खान जी, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और वो भी स्टेज 3 में जाकर उनको पता चला है। तो ऐसे में हम किस तरीके से बच सकते हैं। आज के टाइम में भी यानी 2020 में स्टडी हुई थी, उसमें पाया गया कि 7 लाख लोगों की डेथ हुई है ब्रेस्ट कैंसर से और आज के टाइम में भी 23 लाख लोग इससे पीड़ित हैं और इसमें जो मैक्सिमम रेशो रहता है वो लेडीज का रहता है। बेसिकली क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर में हमारे यहाँ पे एक सेल डेवलप होने लग जाता है, काफी बढ़ने लग जाता है इंटरनल साइड से, जिसको बाद में वो एक ट्यूमर का रूप ले लेता है और अगर उसका सही टाइम पे इलाज ना किया जाए तो जो आसपास की जो मसल्स होती हैं वो भी इसकी जकड़न में आ जाती है, जिसके बाद इसमें हमारे ब्रेस्ट को यानी उस पार्ट को काट कर रिमूव किया जाता है। कीमोथेरेपी होती है जिससे कि आपके बाल चले जाते हैं। कीमोथेरेपी की जो रेज होती है वो इतनी हाई होती है कि आपके स्किन के कलर को वो जला देती है और बहुत सारे साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में इसके बाद देखने को मिलते हैं। प्लस में इसका सबसे ज्यादा नुकसान क्या है कि अगर आपके एक बार कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो ये आपको कभी भी डॉक्टर्स कमिट नहीं करेंगे कि दोबारा नहीं आएगा, ये इन फ्यूचर में दोबारा भी डिटेक्ट हो सकता है, यानी दोबारा भी ये बैकआउट कर सकता है, आपकी बॉडी में दोबारा से आ सकता है। तो ऐसे में हम कैसे पहचाने और क्या रीजंस हैं, सबसे पहले बात करते हैं रीजन की। तो जिन लेडीज को मेनोपॉज होता है उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट इसकी चीज क्या होती है, अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं या फिर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, एक जगह पे आप लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, खाते ही रहते हैं अनहेल्दी चीजें, तो उसका भी बहुत बड़ा रीजन होता है ब्रेस्ट कैंसर का। इसके साथ साथ जो आपके फर्स्ट पीरियड्स आए हैं या आप किस एज में प्रेग्नेंट हुए हैं, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा काम करती हैं। या फिर अगर आप रेडिएशन के संपर्क में हैं, यानी अगर आप किसी ऐसी लैब में काम कर रहे हैं जहां हमेशा आपका कॉन्टैक्ट रेडिएशन से रहता है, तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर होने का। इसके साथ साथ अगर आप गर्भ निरोधक गोलियां खाते हैं, ठीक है, यानी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो आप टैबलेट्स का यूज करते हैं, वो भी इस चीज के लिए काफी बड़ा रीजन होता है ब्रेस्ट कैंसर का। इसके साथ साथ अगर आपने अपनी ब्यूटी में कुछ ना कुछ चेंजेस करवाने के लिए हार्मोनल के इंजेक्शन लिए हैं, तो वो भी बहुत बड़ा रीजन होता है ब्रेस्ट कैंसर का। तो अगर आपने रिसेंटली ये सब चीजें करी हैं तो आप नोटिस करें कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अब बात करेंगे कि कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे अपने आप को हम एग्जामिन कर सकते हैं कि हमें ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। आप नोटिस करना जहां भी आपका ब्रेस्ट है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, आपको बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं लग रहा एक साइड पे, या आपको कोई, आप जब अपने ब्रेस्ट को वीडियो देखने के बाद आप एग्जामिन करें कि आपको कोई गांठ तो फील नहीं हो रही है, अपने निप्पल्स के आसपास कोई सूजन तो फील नहीं हो रही है, या आपके निप्पल्स में से कुछ डिफरेंट तरीके का लिक्विड तो नहीं आ रहा है, या फिर आपकी स्किन का कलर कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है, एक आपके स्किन में कुछ खड्डा सा तो आपको ब्रेस्ट पे फील नहीं हो रहा है या निप्पल के आसपास ऐसा कुछ फील तो नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा हेवी लगता है जब आपको एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी सिर्फ एक ब्रेस्ट में आपको पेन होता है, सेकंड ब्रेस्ट में आपको पेन नहीं होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे कि हम पहचान सकते हैं और उसके बाद डॉक्टर से हमें फौरन कंसर्न करना चाहिए, इस चीज को लेकर निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बाद में बहुत ज्यादा बड़ा रूप ले सकता है, कैंसर का रूप ले सकता है। और मैक्सिमम टाइम में, मतलब अभी तक जो भी स्टडीज हुई है उसमें यही पाया गया है कि बेसिकली कैंसर एक ऐसी चीज है जिसके स्टार्टिंग लक्षण यानी स्टार्टिंग जो स्टेज होती है उसमें हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि आपको कैंसर है, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, उसकी स्टेजेस बढ़ चुकी होती हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा पैसा जाता है और जो लोग मिडिल क्लास हैं या लो क्लास हैं वो तो इसके खर्चे अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेडीज को बहुत ज्यादा होता है, तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आपको ये सब चीजें चेक करनी है वीडियो देखने के बाद। अब हम कैसे इसको रोक सकते हैं, हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपना एक लाइफस्टाइल में चेंज लेकर आना है। आपको कम खाना खाना है और उसको चबाकर खाना है, यानी जो आप खाना खा रहे हो आपके शरीर में पचे सड़े नहीं, जिससे कि धीरे धीरे वो आपको बीमारियां ना दे। हेल्दी चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। डेली का एटलीस्ट 10 से 15 मिनट आपने व्यायाम करना है। घर पर आप कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं, बहुत सारी मेरी वीडियोस हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, उस तरह की वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, वॉक करने जा सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से आपने फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है, अपने आप को रखना है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना, एंजाइटी का शिकार नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपने अपने आपको खुश रखने का ट्राई करना है, स्ट्रेस कम लेना है, चीजों को लेट गो कर देना है। अगर आपको कोई चीजें किसी की बोली हुई बुरी लगती हैं या नेगेटिव लोगों के कॉन्टैक्ट से आपको दूर रहना है, पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर लेकर आने हैं, आप इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअल साइट्स पे जा सकते हैं, वहां पे आप ओम का जाप कर सकते हैं या जिस भी भगवान जी को आप मानते हैं उनका जाप आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने बच्चे को, अगर आपके
डिलीवरी हुई है तो आप उसको ब्रेस्ट फीड ज्यादा दें, क्योंकि ये उन लेडीज में भी पाया जाता है जो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हैं ठीक से, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते तो उसकी जगह गर्भ निरोधक जो गोलीज होती है ठीक है उनका इस्तेमाल ना करके आप डॉक्टर से कोई और ऑप्शन ले सकते हैं, ताकि आपको वो मेडिसिन जो आप इनटेक करते हैं उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। और अगर आपने कोई प्लास्टिक सर्जरी कराई है, कोई इम्प्लांटेशन कराया है अपनी ब्रेस्ट में, या किसी तरीके की सर्जरी या हार्मोनल आपने इंजेक्शंस लिए हैं, तो उनसे आपको बचना है, क्योंकि ये सब चीजें भी आपके ब्रेस्ट कैंसर की जो चांसेस हैं उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती हैं। अपनी डाइट में आप क्या क्या ले सकते हैं, अपनी डाइट में आप अखरोट ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, नट्स आपने जरूर इंक्लूड करने हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, फ्रूट्स जरूर इंक्लूड करने हैं ठीक है, और आपने कोई भी सीजन का फल फिक्स कर लेना आपने खाना है, पानी का रेशो बहुत ज्यादा रखना है, अपनी बॉडी से आपने शरीर की गंदगी क्योंकि वो बेसिकली निकालना है, और वो कैसे निकलती है, जब आप कोई वर्कआउट करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपके पसीने के थ्रू सारी गंदगी बाहर निकलती है, तो इस तरह की चीजें आपने जरूर करनी है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी और कैंसर से और बहुत सारे मेजर डिजीजेस से आपको दूर रखेगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारे आसपास की लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, वो अपने आप को चेक करें वीडियो देखने के बाद, उनको ऐसा कुछ फील हो रहा है बहुत टाइम से, तो उसको निगलेक्ट ना करके डॉक्टर से कंसर्न करें। इस तरह की और इनोवेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी ईशा को ऐसे ही प्यार देते रहें, मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ, गुड लक।